नमस्कार, मैं हूं शिल्पी सेन और आप देख रहे हैं नवोदय प्लस टाइम्स। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरण की नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद अब विभिन्न दलों से किस्मत आजमा रहे प्रत्याशियों ने अपने प्रचार प्रसार को गति प्रदान कर दी है। आज ललितपुर में नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष पद के लिए भारतीय जनता पार्टी समर्थित प्रत्याशी श्रीमती सरला जैन अभिलाषा मुन्नालाल जैन के पक्ष में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया गया, जिसमें मतदाताओं के द्वार द्वार जाकर वोट मांगे गए। आपको बता दें कि आज भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष एवं बुंदेलखंड विकास बोर्ड के सदस्य प्रदीप चौबे के नेतृत्व में मोहल्ला लक्ष्मीपुरा, आज़ाद चौक, सरायपुरा इत्यादि में जनसंपर्क किया गया। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार श्रीमती सरला जैन अभिलाषा ने कहा कि मैं भरपूर प्रयास करूंगी कि शहर में विकास की रफ्तार तेज कर ललितपुर को एक आदर्श नगरपालिका के रूप में प्रस्तुत कर सकूं। मेरा प्रयास रहेगा कि नगर के मोहल्लों के सुदूर से सुदूर स्थित जगहों पर विकास की गंगा बहा सकूं। और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के अनुसार आखिरी पंक्ति तक खड़े व्यक्ति को विकास की रोशनी प्रदान कर सकूं। इस अवसर पर भाजपा प्रत्याशी श्रीमती सरला अभिलाषा मुन्नालाल जैन, बुंदेलखंड विकास बोर्ड के सदस्य प्रदीप चौबे, जिला कोषा अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद सड़ैया, निवर्तमान अध्यक्ष जगदीश सिंह लोधी, सहकारी बैंक अध्यक्ष हरिराम निरंजन, जिला महामंत्री बब्बू राजा बुंदेला, महेश श्रीवास्तव भैया, जिला मीडिया प्रभारी देवेंद्र गुरु, गंधर्व सिंह बाबूजी, मज्जू सोनी, नगर अध्यक्ष मनीष अग्रवाल, जिला मंत्री निखिल, राम कुमार तिवारी, नीतेश संघ्या, अब्दुल नासिर मंसूरी, श्रीमती लक्ष्मी रावत, रामेश्वर सोनी, रामरति रायकवार, अर्चना राजपूत, श्वेता यादव, चंचल सोनाली, दीपक पारासर, रवि साहू, दीपक बैद, गोल्डी राजपूत, रमन सरदार, राहुल मोदी, मनीष जैन बजाज, तेजस्व श्रीवास्तव, भगत सिंह राठौर, गब्बर अहिरवार, अभिषेक दुबे, आशीष पंडित, देवेंद्र राजपूत, जगभान राजपूत, कमलेश सेन, रमेश श्रीवास्तव गांधी आदि उपस्थित रहे। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए ललितपुर से नासिर, मीडिया की रिपोर्ट। आपका चल रहा है, क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी की जीत है जो सुनिश्चित है। कोई लोकप्रिय जो प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी की, इनके मुकाबले में कोई भी किसी भी दल का कोई प्रत्याशी नहीं है। और ये मोदी और योगी की नीतियों की जीत होगी। चलिए, आपका कैंपेन जो चल रहा है, आज इसे प्रारंभ हुआ है क्या? आज से भारतीय जनता पार्टी तो वैसे हमेशा चुनाव लड़ती रहती है, और जैसे ही घोषणा हुई हजारों की तादाद में कार्यकर्ता गलियों में, मोहल्लों में, नगर में छा गया है। और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को घर घर जाके जनसंपर्क कर रहा है, और निश्चित ही कार्यकर्ताओं की जीत होगी। ये प्रत्याशी की जीत नहीं, कार्यकर्ताओं की मेहनत के दम पर ही भारतीय जनता पार्टी की। इस खबर में बस इतना ही, थोड़ी देर में फिर मिलते हैं एक नई खबर के साथ। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए, और ताज़ा तरीन खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए।